इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से हरियाणा के जींद तक किसान कानूनों को लेकर सरगर्मी है। किसान नेता राकेश टिकैत जींद पहुंच चुके हैं, जहां पर किसानों की महापंचायत हो रही है। इधर दिल्ली के मंडी हाउस पार्टियों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम किया गया है। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर आज का दिन काफी अहम बताया जा रहा है। राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं जींद, जहां पर लगभग 50 खापों के प्रतिनिधि यहां पर जुटने वाले हैं और एक बड़ी संख्या में यहां पर किसान बहुत पहले से ही यहां पर मौजूद थे और आगे की रूपरेखा आंदोलन की क्या होगी ये यहां पर तय होगा। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मंजीत, वहां पर क्या बैठक शुरू हो चुकी है? क्या राकेश टिकैत ने बोलना शुरू कर दिया है? मंजीत, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपको हम बता दें कि काफी वहां पर, जाहिर सी बात है कि वहां पर काफी शोर भी हो रहा होगा और वहां पर क्योंकि महापंचायत और यहां पर हजारों की संख्या में, आपको बता दें कि हरियाणा के जींद में ये पंचायत यहां पर महापंचायत हो रही है और यहां पर लगभग 50 खापों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, जो कि राकेश टिकैत के समर्थन में यहां पर आए हैं और आगे की रणनीति क्या होगी किसान आंदोलन की ये यहां पर तय होने वाली है। चूंकि बड़ी संख्या में लोग हैं इसलिए दो जगह आपको बता दें ये कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। कंडेला में किसानों की ये महापंचायत हो रही है। कंडेला 2002 में भी बिजली बिल माफिया आंदोलन को लेकर काफी सुर्खियों में रहा था, तो कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने वहां पर मौजूद है और वहां पर कंडेला गांव में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इसमें शामिल होंगे। किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए ये बहुत बड़ा जमावड़ा है। महापंचायत में कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग की जाएगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं यहाँ पर, और राकेश टिकैत को भी आप देख रहे होंगे, वो भी बैठे हैं। थोड़ी ही देर में वो लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे और इंतजार हो रहा था इससे पहले कि राकेश टिकैत यहाँ पर आते, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ गए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं राकेश टिकैत और जींद पहुंचे हैं कंडेला गाँव, जहाँ पर ये महापंचायत हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि लगभग महापंचायत में हरियाणा के करीब 50 खापों के प्रतिनिधि भी इस महापंचायत में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये देखिए, ये शायद हल हाथ में लेकर एक प्रतीक के रूप में दिखाया जा रहा है और इस आंदोलन को आगे किस तरह से बढ़ाना है, क्या इसकी रूपरेखा होगी, ये प्रतीकात्मक तौर पर देखिए। और ये खाप की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है किसान मोर्चा को, ऐसा वहां पर कहा जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि सरकार एक तरफ जो है यहाँ पर किसानों को समझाने की तमाम कोशिशें कर चुकी है, 11 बार की बैठक हो चुकी है जिसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला है और इस बीच ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अब सिंघू बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर बॉर्डर आ गया ये किसान आंदोलन, और जिसमें अब मुख्य चेहरा इस किसान आंदोलन का राकेश टिकैत हो गए हैं, जो कि बीकेयू के नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, और पहुंचे हैं हरियाणा के जींद में। यहाँ पर कंडेला गांव है जहां पर ये महापंचायत हो रही है। दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जैसे सीमा पर यहाँ पर घेरेबंदी होती है, तारबंदी होती है, कटीले तारों की बाड़ लगाई जाती है, कुछ उसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर भी ये बाड़ लगाई गई है कटीले तारों की, क्योंकि 6 तारीख को किसानों की तरफ से चक्का जाम का ऐलान किया गया है और इस चक्का जाम 3 घंटे का, हालांकि ये चक्का जाम होगा लेकिन यहां से ट्रैक्टर बाहर ना निकल पाए या फिर दिल्ली से यहां ना आ पाए उसके लिए ये तमाम व्यवस्था। और सीधे चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां से हमारी संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर सामने आ रही है, उनके जो नेता है वो इस वक्त जींद में मौजूद है, जहां पर आगे की रूपरेखा क्या होगी इस आंदोलन की वो तय होने वाला है, लेकिन वहां पर किसान क्या कह रहे हैं?
देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे किसान अभी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ये जो आंदोलन है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से दिन पर दिन जो तैयारियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। आपने बात करी थी किस तरीके से तार लगा दिए गए हैं, देखिए पूरे पूरे इलाके के अंदर ये एक के बाद एक के बाद एक ऐसे आगे तीन और जगह ये नुकीले तार लगा दिए गए हैं, ताकि 6 तारीख को जो ऐलान किया गया है, किसानों ने कहा है 3 घंटे का चक्का जाम होगा। अब पुलिस ये नहीं चाहती है कि जो 26 जनवरी को हुआ वो 6 फरवरी को फिर से दोहराया जाए, इसीलिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, एक कोने से दूसरे कोने पर यहाँ पे ये तार लगा दिए गए हैं, और ऐसी ही बैरिकेडिंग पूरे रास्ते पर जगह जगह आपको मिलेगी। ये तो ऊपर का हाल है, नीचे भी इसी तरीके से देखिए आपको नुकीले तार दिखाई देंगे, आपको बैरिकेडिंग भी दिखाई देगी। यहाँ पे किसानों का एक हुजूम सा मौजूद हो गया है। दूसरी तरफ देखिए, पहले यहाँ पे खाना नहीं बनता था, लेकिन अब दूसरी तरफ यहाँ पे सड़क पे टेंट ही टेंट दिखाई देते हैं, और हजारों की संख्या में लोगों के लिए यहाँ खाना अब बनने लग गया है। अब हर कोई इंतजार कर रहा है राकेश टिकैत के वापस आने का, क्योंकि आज आंदोलन क्या रूप लेगा, आगे की किस तरीके से कार्रवाई करी जाएगी, वो सब कुछ आज डिसाइड हो जाएगा, और 6 तारीख को 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे जितने किसान हैं वो कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर किसान तैयार हैं तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी बंदोबस्त किया हुआ है। बिल्कुल ऐश्वर्या, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कटीले तारों के बीच कैसे निकाल रहे हैं दिल्ली और यूपी के बीच आने जाने वाले अपना रास्ता, बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों के बीच आम लोगों की क्या है मुश्किलें, कुमार कुणाल की गाजीपुर बॉर्डर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर वैसे तो ये कटीली तारें पहले ही लगा दी गई थी, लेकिन लोगों की मुश्किल का हाल ये है कि अब कटीली तारों को कहीं ना कहीं नीचे करके लोगों ने अपना रास्ता बना लिया है, जो हर रोज यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? डल्लूपुरा भाई। दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही सर। आप यहाँ पे लोकल हैं? हेलो, नहीं, हम लोग मयूर विहार से आ रहे हैं सर। मयूर विहार से आ रहे हैं, किस तरीके की दिक्कत है? आने जाने में तो बहुत दिक्कत है सर, जो है। कितना समय लगा? समय तो बहुत लग जाता है, आने जाने में 2 घंटा लग जाता है। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से ये जंगल का रास्ता है, जो आम रास्ते को बंद कर दिया गया है। रास्ते पर तो तार यहाँ भी बिछाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कम से कम पत्थर से दबा करके इस रास्ते को चालू किया गया है लोकल्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत ये है कि सिर्फ कटीली तारे नहीं है, बल्कि जो मुख्य रास्ता है वो अब भी बंद है। हम आपको कोशिश करते हैं मुख्य रास्ते की तरफ दिखाने का कि किस तरीके से वहां पर अभी भी जो बैरिकेड है, जो बाकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम है, वो अब भी वहां पर उसी तरीके से मौजूद हैं। और कटीली तारों के आप दूसरी तरफ यानी दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से दिल्ली आप नहीं जा सकते हैं। हाँ, एक अंतर जरूर आया है, वो आया है अंतर कि जो सुरक्षा कर्मी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, आज उनकी संख्या काफी कम दिखाई पड़ रही है। आज सुरक्षा कर्मी कम है जो सुरक्षा के ये इंतजाम थे, कटीली तारे, बैरिकेड, कील, ये तमाम चीजें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी कम नजर आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी हो या फिर अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा कर्मी हो, तो वो कम नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच में हम दिखाएंगे कि आंदोलन बदस्तूर चल रहा है, जो 28 जनवरी की घटना हुई, 28 जनवरी को घटित हुआ, लग रहा था कि यहां से आंदोलन की समाप्ति होगी, लेकिन उसके बाद जो एक राकेश टिकैत की अपील हुई और उसके बाद लगातार किसानों का जो आने का सिलसिला है वो जारी है, चल रहा है। तो ये तस्वीर है 70वें दिन की, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है, पुलिस के अपने बंदोबस्त, आंदोलनकारियों का अपना मन, इस बीच में जो सुरक्षा के इंतजाम है उससे आम पब्लिक भी पिस रही है, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर आज तक। और आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों की मोर्चाबंदी के बीच सीएम केजरीवाल ने गुमशुदा किसानों का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली उपद्रव के दौरान कई लोग लापता हुए हैं, जिन्हें ढूंढने में दिल्ली सरकार मदद कर रही है, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली सरकार केंद्र से भी बात करने को तैयार है। दिल्ली की अलग अलग जेलों में जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है जो दिल्ली की अलग अलग जेलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं
और वो दिल्ली की जेलों में हैं, और इनके नाम, इनके पिता का नाम, इनकी उम्र, इनका पता, किस तारीख को गिरफ्तार किए गए, ये सब हम अभी थोड़ी देर में जारी कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों के घर के लोग मिसिंग हैं वो ये लिस्ट देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो उनको ढूंढवाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी, एलजी साहब से भी बात करूँगा, ज़रूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूँगा। और इस बीच आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर आज राज्यसभा में चर्चा हुई तो आप सांसदों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। सभापति ने 3 सांसदों को दिन भर के लिए सदन से बाहर निकाल दिया। आज तक से 3 सांसदों ने बात की। संजय सिंह जी, समझाइए आप कि जब रजामंदी हो गई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, फिर हंगामा क्यों बरपा? देखिए, पहली बात तो ये है कि 267 का मैंने नोटिस दिया था कि किसानों के मुद्दे पे अलग से चर्चा कराई जाए सदन में और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए। चर्चा तो आप 11 बार कर चुके किसानों के साथ और सारी वार्ता आपकी फेल हो गई। तारीख पे तारीख आप दिए जा रहे हैं। 75 दिन से वो लोग इस कड़कती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, उनको देशद्रोही कह रहे हो, आतंकवादी कह रहे हो, पानी की बौछार कर रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, उनकी आंखें फोड़ दे रहे हो, देशद्रोहियों की तरह उनको ट्रीट कर रहे हो, किलेबंदी ऐसे कर रहे हो जैसे चीन और पाकिस्तान की सीमा पे किया है। 44 किसान पंजाब के मिसिंग है, उनका पता नहीं चल रहा है। तो यही बात आप कह सकते थे ना, जब चर्चा के लिए 15 घंटे मिले तो उसमें आप ये सब बातें कैसे? 15 मुद्दे हैं। राष्ट्रपति ने एक विषय पे नहीं, 20-25-30 विषयों पे बोला है। तो वो कह रहे हैं कि सारे विषयों के साथ किसान पे भी बोल लेना। इस देश के किसान की कोई अहमियत नहीं है क्या? इस देश के अन्नदाता के ऊपर सदन में अलग से चर्चा भी नहीं हो सकती है? वो कह रहे 50 मुद्दे हैं जिस पे राष्ट्रपति जी ने बोला है, उसमें से किसान पे भी बोल लेना आप। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कब तक ये जुल्म चलेगा? लाल किले पे इस सरकार ने साजिश करके भाजपाइयों ने हमला करवाया, तिरंगे का, लाल किले का अपमान करवाया, देशद्रोह किया, और आज पार्लियामेंट के अंदर हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि जो 75 दिन से किसान आंदोलन पे है, तीनों काला कानून वापस लीजिए और उसका एक प्रस्ताव लेके आइए। पर ऐसी मांग के लिए आप लोग, गुप्ता साहब, अकेले क्यों पड़ गए अलग थलग? सारी विपक्षी दल जो है उनने सहमति बना ली, अब सिर्फ हंगामा करना मकसद था कि वाकई में कोई पॉइंट रजिस्टर करना? देखिए, 100 से ऊपर किसानों की आदत हो चुकी है, 45 से ऊपर किसान लापता है, 70 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। अगर सांसद जनता की बात, लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं, इस बात की चर्चा संसद में नहीं करेंगे तो कहाँ पे चर्चा करेंगे और क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक टेलीफोन दूर हैं, कब तक वो दूरी बनाए रखेंगे? प्रधानमंत्री जी, आज तक कोई सरकार का नुमाइंदा उनके पास नहीं भेजा। अगर हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे संसद में, किसान तो आगे उठाने से रहे, वो 75 दिन से सर्दी में, कड़कती सर्दी में, धूप में, बारिश में बैठे हुए हैं, और जैसे अभी बताया संजय जी ने, उनके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार हो रहा है। 12-12 इंची के किले ठोक दिए हैं वहाँ पे, 6-6 फुट गहरी खाई को दी है। ये किसानों के साथ व्यवहार है? जो किसान कोविड के पीड़ में भी, जिन्होंने GDP 3.5% प्लस दी है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? हम किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं संसद से बाहर भी और संसद के अंदर भी। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में बीजेपी पूरा दम लगाने जा रही है। फरवरी में पूरे राज्य में 5 परिवर्तन रथ यात्राएं निकालने की तैयारी है। रथ यात्रा 6 फरवरी से शुरू होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह इन रथ यात्राओं का शंखनाद करेंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली है। अगले 10 दिन बंगाल में गजब का दंगल है। कैलाश जी, बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, क्या रहेगा, कब जेपी नड्डा किस परिवर्तन यात्रा को फ्लैग ऑफ करेंगे और हमेशा? 6 तारीख से हमारी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है नवदीप से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसको उद्घाटन करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। 11 तारीख से दूसरी यात्रा कूचबिहार से प्रारंभ होगी, जहाँ पर हमारे देश के गृहमंत्री पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी उसका फ्लैग दिखाएंगे। ऐसी 5 परिवर्तन यात्राएं हमारी निकलेगी, जो लगभग 294 विधानसभा को टच करते हुए निकलेगी। जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, उनके भ्रष्टाचार, उनकी अनैतिकता के जनता के बीच में हम ले जाएंगे। सर, अभी तक इस परिवर्तन यात्रा के लिए जो है
प्रदेश की सरकार ने परमिशन नहीं दी है, क्या अगर परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि अब तो तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है, तो क्या आप कोर्ट जाएंगे परमिशन लेने के लिए? देखिए, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि विपक्ष का एक मौलिक अधिकार होता है कि वे जनता के बीच में जाएं, सरकार उसमें रोड़े नहीं लगाए, और एक हमारी पार्टी एक जवाबदार पार्टी, केंद्र में हमारी सरकार है, और कम से कम एक जवाबदार पार्टी के कार्यक्रम को इस प्रकार अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। यदि सरकार परमिशन देगी तो हम कोर्ट जाएंगे और हमारे मौलिक अधिकार के लिए हम उनसे न्याय की अपेक्षा। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट